हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। आज हम लोग मुगल डायनेस्टी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके पार्ट वन में आज हम लोग जानेंगे बाबर के बारे में, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, और हमारा वेबसाइट है www.operinistic.com, इस वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के पार्ट वन में और जानते हैं हम लोग बाबर के बारे में। बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज किया था। 1526 से लेकर 1530 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये याद रखिएगा। इनका जन्म 14 फरवरी सन 1483 को हुआ था, 14th February 1483। पिता की तरफ से देखा जाए तो तैमूर के वंशज और माँ की तरफ से देखा जाए तो चंगेज खान के वंशज थे। और इन योद्धाओं के चूँकि वंशज थे तो ये खुद भी एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे। बाबर की फैमिली जो थी वो चगताई तुर्क थी। हिज फैमिली बिलोंग्ड टू द चगताई सेक्शन ऑफ द टर्किश रेस एंड वेर कॉमनली नोन एज मुगल्स। तो ये चगताई तुर्क, ये जो इनकी फैमिली थी, इसे मुग़ल भी कहा जाता था। और जब बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की तो उसे भी मुग़ल साम्राज्य कहा गया। बाबर ने ओरिजिनली फरगना, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ पे राज किया। शुरुआत इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की, राजकाज की शुरुआत हुई थी, वो फरगना से ही हुई थी। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगना के राजा बने थे बाबर। तो उमर शेख मिर्जा कौन थे? उमर शेख मिर्जा इनके पिता थे और बाबर उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन थे। और उमर शेख मिर्जा फरगना के गवर्नर भी थे। बाबर का जन्म अंदीजान में हुआ था, जो कि फरगना वैली में स्थित है और आज की डेट में ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे बाबर, और उमर शेख मिर्जा जो है वो फरगना के गवर्नर थे और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर भी थे। तो उमर शेख मिर्जा जो है वो तैमूर की फैमिली से संबंधित थे, तैमूर के वंशज थे, और बाबर भी उसके बाद राजा बने जो कि तैमूर की फैमिली से ही संबंध रखते थे। अक्षिकंत में 1494 में मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर ने राजगद्दी संभाली थी। बाबर असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन इट्स कैपिटल अक्षिकंत इन 1494 एट द एज ऑफ 12, बट सून फेस्ड रिबिलियंस। एक्चुअली 12 वर्ष की आयु में जब ये राजा बने तो आसपास के जो राजा थे, जो दूसरे राज्यों के राजा थे, उनको ऐसा लगा कि फरगना को जीतना आसान होगा, क्योंकि राजा जो था वो काफ़ी छोटा था और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अचानक से अभी बदलाव की स्थिति में है। तो इस वजह से उनको काफ़ी रिबिलियंस शुरू शुरू में ही झेलने पड़े, लेकिन रिबिलियंस को इन्होंने बहुत ही कुशलता से संभाला भी। उन्होंने 2 वर्ष के बाद समरकंद को जीता, और समरकंद जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस थी। समरकंद के राजा को बहुत ही श्रद्धा भाव से और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा माना जाता था। ही कंकर्ड समरकंद 2 ईयर्स लेटर बट सून लॉस्ट फरगना। तो समरकंद पे चढ़ाई करने के चक्कर में फरगना थोड़ा सा वीक हो गया, फरगना की सिक्योरिटी वीक हो गई और फरगना इन्हें हारना पड़ा, और फरगना को जीतने के चक्कर में बाद में समरकंद हार गई है। तो इस तरह से इनके लिए बड़ा ही मुश्किल समय ये बन गया। इन हिज अटेम्प्ट टू रीकंकर फरगना ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ समरकंद। अब इसके बाद इनके लिए काफ़ी मुश्किल समय निकला। 1501 में उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों को जीतने के लिए, दोनों ही राज्यों को जीतने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन ये मोहम्मद शायबनी खान इनसे हार गए। मोहम्मद शायबनी खान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे और शायबनी डायनेस्टी के संस्थापक भी थे, तो उनसे ये हारे। ये फरगना और समरकंद दोनों जीतना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्लानिंग की, काफ़ी कोशिशें की, लेकिन शायबनी खान से ये पार नहीं पा सके। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर भी इनके लिए रही, 1504 में इन्होंने काबुल को जीत लिया। काबुल में उस समय उलूग बेग के एक बहुत ही छोटे बच्चे जो बेटे थे, जो वारिस थे उलूग बेग के, वो काफ़ी छोटे थे उस समय, और उस समय काबुल को जीतना थोड़ा सा आसान था।
उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि काबुल थोड़ा वीक पड़ रहा था, तो बाबर ने काबुल के ऊपर अटैक करके काबुल को 1504 में जीत लिया। इस्माइल फर्स्ट के साथ बाबर ने कॉन्फेडरेसी बनाई, इस्माइल फर्स्ट के साथ मिल गए। इस्माइल फर्स्ट जो थे वो सफाविद रूलर थे, सफाविद राजा थे, और इनके साथ बाबर ने कॉन्फेडरेसी बनाई और साथ साथ मिलके फिर आगे ये दोनों इन्होंने कई कैंपेन्स किए। और बाबर इस्माइल फर्स्ट इन दोनों ने मिल मिल के क्या क्या किया, समरकंद को जीत लिया जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी, और तुर्किस्तान के और भी बहुत सारे क्षेत्रों को जीता जिसे बाबर हार चुके थे। लेकिन मोहम्मद शायबानी खान जो कि शायबानी डायनेस्टी के संस्थापक थे वो चुप नहीं थे और उन्होंने बाबर और इस्माइल फर्स्ट को हरा दिया और बहुत सारे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया। भारत में किस तरह से बाबर आए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाबर काफ़ी परेशान था अपनी राज्यों को जीतने हारने दोबारा कैप्चर करने की जो प्लानिंग थी इन सब चीज़ों के बीच में बाबर की बहुत ही अव्यवस्थित लाइफ थी और उसका सारा समय युद्ध क्षेत्र में ही जा रहा था और साथ ही एक डर का माहौल बना हुआ था क्योंकि दूसरे कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बाबर के फैमिली वाले खुद ही उनकी जान के पीछे भी पड़े हुए थे, तो बाबर के लिए बड़ी ही असमंजस वाली स्थिति थी और उस समय उन्हें भारत आने का मौका मिला। भारत में दौलत खान लोधी जो कि उस समय पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे और इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार भी थे, उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए इनवाइट किया। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाई दौलत खान लोधी सूबेदार ऑफ पंजाब। साथ में कौन थे, आलम खान जो कि इब्राहिम लोधी के ही चाचा थे, इब्राहिम लोधी के अंकल थे, और तीसरे थे राणा सांगा। तो ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाई दौलत खान लोधी, आलम खान एंड राणा सांगा। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई बाबर को भारत लाने में, इन्होंने बाबर को इन्वाइट किया इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब 1526 में हुआ, बाबर टेक्नोलॉजिकली काफ़ी फार सुपीरियर था इब्राहिम लोधी से और उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। और बाबर ने देखा कि ये जो भारत का क्षेत्र है ये धन धान्य से भी परिपूर्ण है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र भी है, इसलिए बाबर ने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि वो अब हिंदुस्तान में ही रहेगा। इस युद्ध में जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है 1526 में, बाबर ने रूमी नाम का डिवाइस यूज़ किया युद्ध में ऑटोमन, जो कि बहुत सारे रथों को बहुत सारे कार्ट्स को जोड़कर एक पूरा डिफेंडिंग वॉल बनाने वाली रणनीति थी उसका उपयोग किया था। इन्होंने गन्स का भी उपयोग किया था, इन्होंने तोपों का भी उपयोग किया था, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग किया गया पानीपत की पहली लड़ाई में जो कि भारत की धरती पर उस समय कॉमन नहीं थे, भारत की धरती पर उस समय यूज़ नहीं होते थे। गन पाउडर का इस्तेमाल यहाँ से आगे चल के चालू हुआ। तो पहला बैटल जो था पानीपत का, वो ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोधी कमज़ोर योद्धा था या उसके पास लोग कम थे या उसके पास हथियार नहीं थे, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन बाबर के पास एक बेहतर रणनीति थी और बाबर के पास टेक्नोलॉजिकली अच्छे वेपन्स थे, तो इसके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ही फ़ायदा मिला बाबर को। और इस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हरा दिया। बाबर ने जो जिस तरह का वारफेयर इस्तेमाल किया उसे तुलगामा सिस्टम ऑफ वारफेयर कहा जाता है। बाबर की आर्टिलरी को उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों बहुत ही काबिल मिलिट्री जनरल्स थे, इन्होंने संभाला था और इस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोधी को पहले बैटल ऑफ पानीपत में हराया। उसके बाद राणा सांगा को भी बाबर ने अगले ही वर्ष हरा दिया। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ खानुआ, तो ही डिफीटेड संग्राम सिंह जो कि राणा सांगा के नाम से बेहतर जाने जाते थे ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानुआ इन 1527। यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि राणा सांगा उन तीन लोगों में से एक थे जिन्होंने बाबर को भारत में इनवाइट किया था, उन्हीं से बाबर का 1527 में युद्ध हुआ और जिसमें राणा सांगा हार गए। राणा सांगा मेवाड़ के राजा उस समय हुआ करते थे और जो युद्ध हुआ उसे बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं जो कि 1527 में हुआ था। तो इस बैटल में, इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने अपने आप को टाइटल दिया गाजी।
गाजी का अपने आप को उन्होंने टाइटल दिया। उसके बाद मेदिनी राय को उन्होंने चंदेरी में जाकर हराया। तो ये जो लड़ाई हुई थी 1528 में हुई थी, जिसे बैटल ऑफ चंदेरी कहा जाता है। ही डिफीटेड अनदर राजपूत रूलर मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन द बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। तो 1526 में इब्राहिम लोदी, 1527 में राणा सांगा, 1528 में मेदिनी राय, और उसके बाद उन्होंने महमूद लोदी को भी हराया 1529 में। डिफीटेड द अफगान चीफ्स अंडर महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे, इन द बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। तो इस तरह से चार लगातार लड़ाइयाँ जीती और चारों बड़ी साइज की लड़ाइयाँ थी। 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, जिसमें राणा सांगा को हराया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेदिनी राय को हराया। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें इब्राहिम लोधी को हराया। तो बाबर ने चार लगातार ये लड़ाइयाँ जीत कर मुगल साम्राज्य को भारत में अच्छी तरह से स्थापित कर दिया। गन पाउडर और आर्टिलरी ये भारत में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुए, क्योंकि बाबर के पास ये सब गन पाउडर, तोप और अच्छी रणनीति थी। तो भारत के राजाओं ने जब देखा कि जो दूसरे राजा उससे टकराए वो बहुत ही तेजी से छिन्न भिन्न हो गए, तो दूसरे राजाओं ने भी अपने अपने जो हथियार थे और अपनी रणनीति थी उसको अपग्रेड करना शुरू किया। तो रैपिड पॉपुलराइजेशन हुआ किसका? गन पाउडर का और आर्टिलरी का। हिज विक्ट्रीज लेड टू रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। बाबर की 1530 में मृत्यु हो गई। तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने राज किया। बाबर को पहले आरामबाग ऑफ आगरा, आरामबाग एक बगीचा था जिसे बाबर ने डेवलप करवाया था, आगरा में स्थित था, पहले वहाँ पर उनको दफनाया गया। बाद में इनकी बॉडी को काबुल ले जाया गया, जहाँ पर बागे बाबर, वहाँ पर इन्हें दफनाया गया है। इन्होंने अपनी जो मेमोरी लिखी है बाबरनामा के नाम से मानी जाती है, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, एक बहुत ही अच्छा क्लासिक लिटरेचर माना जाता है इस दुनिया का। उसका नाम है ताजू के बाबरी, जिसमें बाबर के ज़िंदगी के बारे में और बाबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दोनों के बारे में लिखा गया है। और इट शोज़ द ह्यूमन आउटलुक एंड सेंसिटिविटी टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इसी से हमें पता चलता है कि बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि प्रकृति के प्रति बहुत आसक्त था, नेचर की ब्यूटी के प्रति बहुत ही अच्छे विचार थे, और इसीलिए बाग बगीचे वगैरह ये सब के प्रति जो बाबर का प्रेम था वो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का था। बाबर ने मसनवी भी लिखा था, मसनवी बहुत ही पॉपुलर मेमोर है, बहुत ही पॉपुलर बुक है, जो कि बाबर ने लिखा था। बाबर ने भारत में दो पॉपुलर मस्जिद बनाए, पहला तो है जो काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत में स्थित है, ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं उसका, और दूसरा जो है वो संभल में जामा मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये दो बड़े मस्जिद थे, पॉपुलर मस्जिद, जो कि बाबर के द्वारा बनाए गए थे। तो ये कहानी थी बाबर की। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट www.operinistic.com उसको विजिट करना भी मत भूलिएगा। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।